बकरीज का डीवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से बच सके, जैसे केनाइन डिस्टेंपर, हेपेटाइटिस, पार्वो वायरस, रेबीज आदि। डीवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन करने से डॉग्स का इम्यूनिटी सिस्टम बीमारी को रोकने में सक्षम हो जाता है। कुछ बीमारी डॉग्स से इंसान को लग सकती है, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस, इसलिए भी डॉग्स को टीका लगवाना आवश्यक हो जाता है। पपीज एंड डॉग्स की डीवर्मिंग क्या होती है? जिस प्रकार इंसान के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, उसी प्रकार डॉग्स के पेट में भी वॉर्म्स हो जाते हैं। डॉग्स मिट्टी और मल के संपर्क में ज्यादा आते हैं, अतः इन्हें कीड़े यानी वॉर्म्स की समस्या अधिक होती है। वॉर्म्स से डॉग्स को कई प्रकार की परेशानी होने लगती है। वॉर्म्स की मेडिसिन देकर पेट के वॉर्म्स से छुटकारा दिलाने को डीवर्मिंग कहते हैं। छोटे पपी जो माँ का दूध पीते हैं, लेकिन उन्हें भी पेट में वॉर्म्स हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी डीवर्मिंग की जरूरत होती है। पपीज एंड डॉग्स की डीवर्मिंग कब करानी चाहिए? पपीज की उम्र के अनुसार नियमित अंतराल पर डीवर्मिंग करवानी चाहिए। किस उम्र में कितने दिन में डीवर्मिंग होनी चाहिए, यह इस प्रकार है। 3 महीने से छोटे पपी के लिए हर 15 दिन में, 3 से 6 महीने के पपी के लिए हर महीने, 6 से 12 महीने के पपी के लिए हर 2 महीने में, 1 साल की उम्र के बाद हर 3 महीने में। अगर आप ये डीवर्मिंग शेड्यूल रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपका पपी या डॉग कभी बीमार नहीं होगा। डीवर्मिंग के साथ वैक्सीनेशन शेड्यूल भी फॉलो करना जरूरी है। डॉग्स एंड पपीज के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी पिन की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।